नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और आप जुड़े हुए हैं किसान ऑफ इंडिया के साथ। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये है सोलर पैनल। इसकी खूबियां क्या हैं और ये किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है, इस पे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से यहाँ पहुंचे हुए प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। मैं हमारे जो किसान व्यूवर्स ये देख रहे हैं, उनको बताइए कि किस तरह से ये सोलर पैनल जो है वो इरिगेशन के लिए, खेती के लिए किस तरह से यूजफुल है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अब से पहले जो किसान सोलर यूज कर रहे थे वो एक फिक्स स्टैंड पे सोलर यूज कर रहे थे, चाहे वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हों या प्राइवेट कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे हों। ये पहली बार हमारी कंपनी ने मूवेबल ट्रॉली पंप सेट लॉन्च किया है, जिसके अनेक बेनिफिट हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले बताना चाहूँ तो हमारे इंडिया के अंदर जो किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके खेत एक जगह नहीं होते हैं और सभी खेतों में अलग अलग पंप इंस्टॉल करवाना बहुत कॉस्टली भी है और उसकी टेक केयर करना भी आप समझ सकते हैं बहुत मुश्किल रहता है। उसी का समाधान ये हमारी कंपनी निकाला है। ये एक मूवेबल ट्रॉली पंप सेट है, आप इसको सुबह खेत में जोड़ के ले जाइए, पूरा दिन यूज करिए और शाम को घर पे लेके आइए। और किस तरह से कि फार्मर्स को किन किन चीज़ों में, किन किन क्षेत्रों में उनको बेनिफिट दे सकता है? देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि फसल, कोई भी फसल हो, सबसे जो इम्पोर्टेंट उसका पॉइंट है वो है इरीगेशन, और ये इरिगेशन के पर्पज से ही हो जाता है। तो आप किसी भी फसल में और किसी तरह की सिंचाई के लिए आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं या आप नोजल विधि से सिंचाई कर रहे हैं या फल्ड इरिगेशन, ये सब के लिए है। तो आप उत्तराखंड में इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो किस तरह से आप इसको प्रमोट कर रहे हैं इस राज्य में? मैं अंशी बालियान, हम लोग पिछले 30 साल से मैकेनाइजेशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें ट्रैक्टर पावर टिलर, और एक ये नया आवश्यकता है किसान की, पावर्स का बड़ा प्रॉब्लम्स है जो ये समाधान करते हुए मेरे को नज़र आता है। किसान को पावर कट की दिक्कत रहती है या कई जगह ऐसी हैं अभी भारत में, उत्तरांचल में, कि जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस समय इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। इसके साथ इसका जो प्रयोग है, जैसे गन्ने का सीड ट्रीटमेंट करना है या चक्की चलाना है या आपका थ्रेशर चलाना है, उन सभी कृषि कार्यों में ये पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके साथ साथ अगर इसको किसान, जैसे ट्रॉली के ऊपर बना हुआ है, खेत में ले जाना है, तो इसके जैसे पशुओं का चारा लाना है या खाद ले जाना है, ये ट्रांसपोर्ट में दोनों पर्पज एक ही साथ सोल्व करता है। किसान को एक अलग अलग यंत्रों को ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही सिस्टम में इसका काम हो जाता है। इसको सामूहिक रूप से भी हमारा किसान प्रयोग कर सकता है, एक गांव में अगर 2-4 भी ले लें तो उनका अगर ड्रिप इरिगेशन चलाना है, टपक सिंचाई करनी है, तो उससे अलग अलग समय में इसको प्रयोग किया जा सकता है। 6-7 लोग मिलके इसको, क्योंकि टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर एवरेज 1 से 1.5 घंटा एक दिन में चलता है, तो इसको 8 से 10 लोग एक ही बार में प्रयोग कर सकते हैं सामूहिक रूप से। तो मेरा मानना यह है कि कृषि विभाग, उत्तरांचल सरकार से ये आग्रह है कि वो लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें और हमारे देश और किसान के हित में, जो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। एंड प्रदीप जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे जो किसान हैं, अगर मान लीजिए एक गांव है, अगर वो सामूहिक रूप से इसको अपने गांव में लगाते हैं, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, किस तरह से फ़ायदेमंद होगा? देखिए, अगर सामूहिक तौर पे किसान लगाना चाहता है तो मैं बताना चाहूँगा, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आजकल जो है छोटा जो किसान है वो ज़्यादा है, जिसमें अकेला उसको अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो छोटे छोटे किसान मिलके इसको बिल्कुल एक रीजनेबल कॉस्ट में उसको अपना परचेज कर पाएंगे और उसको यूज भी कर पाएंगे। जी, अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात पूछूं तो प्राइस रेंज कितना पड़ेगा? प्राइस रेंज की अगर मैं बात कहूं तो हमारे पास ये 2 HP से लेके 10 HP तक के अलग अलग सेगमेंट में प्रोडक्ट होते हैं। ये लगभग 1.5 लाख रुपए से लेके 6.5-7 लाख रुपए तक इनकी कॉस्टिंग जाती है, वो किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार परचेज कर सकता है। अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे शुगर केन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अनुजी, किस तरह से ये प्रोडक्ट जो है, जो गन्ना किसान है, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं 96 में पासिंग आउट किया शुगर केन में स्पेशलाइजेशन। मैं UP का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ प्रोडक्शन 60 क्विंटल होता था, एवरेज फिर 90 क्विंटल महाराष्ट्र में और 110 क्विंटल तमिलनाडु में। तो मैं जब वहाँ पढ़ने गया तो मैंने ये देखा कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, वो क्या कमी है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, टाइमली कम पानी देते हैं, हमारे यहाँ क्या वाटर लेवल ऊपर है तो ट्यूबवेल चला दी, अपना पानी चला रहे हैं, तो वो एक्सेस वाटर देते हैं। एक्सेस वाटर देने से क्रॉप की अच्छी पैदावार नहीं तो और ख़राब होती है, और हमारा वाटर लेवल डे बाई डे डाउन जा रहा है, तो उसमें दिक्कत ये आती है जो है हमारे ट्यूबवेल चल रही है,
तो वो लाइट कभी दिन में आती है, कभी रात को आती है, कभी रहती है। तो कि हाँ, यदि इसको लगाता है तो एक तो उसको कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा वो अलग अलग प्लॉट, छोटे छोटे प्लॉट अलग अलग जगह हैं, तो अपनी बोरिंग कर लेता है और उसको इसी को एक ही ट्यूबवेल से सारी ट्यूबवेल चला सकता है। तो वो एक जगह होगा, दूसरा उसको हर जगह उसको पावर लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक पावर के जो है रेट डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर के, वो जो बनती है हाइड्रो पावर से बनती है, कोयल पावर से बनती है, आने वाले टाइम में ये चीज़ खत्म हो जाएंगी। तो नेचुरल सोर्स हमारे पास है सूरज का, तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर हमारे 6:30 बजे तक ये हमारी लगातार कंटिन्यू चलेगी। और उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक में कि वो बीच में एक भाग गई, फिर पानी चलेगा, फिर चले आ जाएगा, फिर भाग जाएगी, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसी बलियान जी, किस तरह से जो खेती की में उन्नत जो तकनीकें हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आ रही हैं, किसानों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, और आप और कुछ भी हमें जानकारी हमारे व्यूवर्स को देना चाह रहे थे? जैसे अपने नई खेती के लिए या उन्नति खेती के लिए, इकोनॉमिक खेती के लिए छोटे ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर का प्रयोग किया जा सकता है, जो हम लोग पिछले 20-25 साल से प्रयोग कर रहे हैं। उत्तरांचल का सिचुएशन ये है कि यहाँ 85% फॉरेस्ट लैंड है, रेस्ट में गेहूं, धान, गन्ना, बागवानी, और ख़ास तौर से जो वैलीज एरिया है हिल्स में, वहाँ छोटे छोटे एक नाली, दो नाली, चार नाली के खेत होते हैं। वहाँ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करना बहुत कठिन कार्य है। दूसरा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की समस्याएँ हैं, पानी की समस्याएं हैं। अगर हम लोग नई तकनीक में सोलर सिस्टम को लगाते हैं तो एक ही एरिया में सोलर सिस्टम लगा के हम लोग वाटर मैनेजमेंट के कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण कर सकते हैं। समस्या क्या है कि वहाँ अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो वहाँ की सॉयल में इरोजन हो जाता है, तो इसलिए वहाँ टपक सिंचाई या दूसरी सिंचाई से काम करके, ड्रिप इरीगेशन पर काम करके हम लोग सोलर सिस्टम की सहायता से वहाँ उन्नत खेती आगे बढ़ाई जा सकती है। आज ही हमारी कृषि विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर हैं, केवीके के अधिकारी हैं, उन सब लोगों को हमने इसको दिखाया, सभी ने सराहा इस चीज़ को। अभी थोड़ा समय पहले CDO साहब भी आए हैं, एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर भी आए हैं, हॉर्टिकल्चर वाले आए हैं, सभी ने इसको बहुत उपयोगी कहा है और हम लोगों को कहा है कि आप आइए और प्रदेश में इसका किसानों को वितरण की व्यवस्था कीजिए। प्रदीप जी ने मुझे एक जानकारी दी थी कि ये जो सोलर सिस्टम है ये फोल्डेबल भी है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, ये पीछे आपको लाइव करके भी दिखा रहा है लड़का, इसको इस तरह से बड़े आसानी से एक व्यक्ति इसको क्लोज भी कर सकता है और ओपन भी कर सकता है। और इसमें ना ही हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज़ किया है, ना ही कोई हाइड्रोलिक पार्ट यूज़ किया है, इसलिए इसका मेंटेनेंस भी जीरो रहता है जी। और सर, इसका लाइफ स्पैन कितना है, मतलब एक बार किसान ने लगा दिया तो फिर ये कब तक इसकी लाइफ है जी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, इसकी जो लाइफ है, जो पैनल है, जो इसका सबसे मेन पार्ट है जिसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, 25 ईयर की इसकी वारंटी रहती है, और जो इसकी लाइफ है लगभग 40 ईयर प्लस इसकी लाइफ रहती है, और उसके बाद भी आप ये इतनी एनर्जी जनरेट करता है कि आप इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। घर पे किस किन किन पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है? आज इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा जगह ले ली है कि मेरी नज़र में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आता कि जो हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हों, तो उन सभी प्रोडक्ट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्नत तकनीक जो है वो किसानों की ज़िंदगी को बदल रही है, और उन्हीं में से एक है ये सोलर सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया से बात करने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये आपने देखा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से ये सोलर सिस्टम वर्क करता है और किस तरह से एक तकनीक जो है वो किसानों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे हैं किसान ऑफ इंडिया के चैनल्स पे ऑल ओवर इंडिया से। हमें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर को @किसान ऑफ इंडिया पे जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.किसानofindia.com पर इस तरह की स्टोरीज देख सकते हैं। किसान ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।